नमस्कार, मैं हूं रोशनी, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरएसएस पर जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि जब महात्मा गांधी की हत्या हुई थी तब सरदार पटेल को संघ ने लिख कर दिया था कि भविष्य में कभी राजनीतिक तौर पर भाग नहीं लेंगे, सांस्कृतिक संगठन के रूप में काम करेंगे। लेकिन आज आरएसएस बढ़ चढ़कर राजनीति मैदान में सक्रिय है, लोगों को गुमराह कर अफवाह फैला रही है। आरएसएस को सत्ता के अंदर भागीदारी मिल गई है, देश के तमाम मंत्रालय में इनके लोग बैठ गए हैं। गहलोत ने कहा कि आरएसएस के लोगों से कहना चाहूंगा कि हिंदुत्व और सांस्कृतिक संगठन के नाम पर भ्रमित करना बंद करें। सांस्कृतिक संगठन के रूप में अपना आपको अभी करीबों का सोशल बनाया कहता है। आजादी के वक्त में जब गांधी जी की हत्या हुई थी उस वक्त में इनके ऊपर प्रतिबंध लग गया था। सरदार पटेल ने लगाया प्रतिबंध, जो गृहमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, उसके बाद में इन्होंने लिख के दिया किस प्रकार से हम भविष्य में कभी राजनीति भाग नहीं लेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 के सबसे बड़ी चुनावी मैदान बनारस सीट से 102 प्रत्याशियों ने 119 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें से नामांकन पत्रों की जांच के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 31 प्रत्याशी वैध पाए गए थे। पर अब इनमें से भी 5 उम्मीदवारों ने गुरुवार को अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी अखाड़े में परास्त करने के लिए 25 प्रत्याशी बचे हैं। राजस्थान के बीकानेर में जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर प्रभारियों से मीटिंग में जायजा लिया। आपको बता दें कि इस मीटिंग में उपखंड अधिकारी रामरख मीणा, तहसीलदार सुभाष चंद्र भी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। हमने अभी सभी सेक्टर अधिकारी एक एक मतदान केंद्र के बारे में चर्चा की। इस बार चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर जो आवश्यक मिनिमम सुविधाएं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं। कानून व्यवस्था की काफ़ी पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। जो जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं वहाँ पर एक्स्ट्रा जाब्ता लगाया जाएगा, बाहर की फोर्सेज भी लगाई जाएंगी, वीडियोग्राफी कराई जाएगी, कुछ मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग भी कराई जाएगी। तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएँ की गई हैं जिससे किसी कोई भी व्यक्ति बिना किसी भय के अपना वोट डाल सकता है। बीकानेर राजस्थान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीटिंग ली। जिला कलेक्टर निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम श्रीडूंगरकुंड में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही तैयारियों को उपखंड अधिकारी कार्यालय में जायजा लिया गया। इसी मीटिंग में उपखंड अधिकारी रामरख मीणा, तहसीलदार सुभाष चंद्र भी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का चुनाव प्रचार चरम पर है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जीत दर्ज करने के लिए मतदाताओं को रिझाने के तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब प्रचार यूपी के बांदा में देखने को मिला, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी आर के सिंह पटेल लोगों से कह रहे हैं कि अगर आप लोग मुझे नालायक और लुच्छा समझते हैं तो गठबंधन को वोट दो। वहीं इस मामले में बांदा के भाजपा जिला अध्यक्ष लवलेश सिंह का कहना है कि यह फर्जी वीडियो है, इससे छेड़छाड़ की गई है। तो एकदम से बनावटी है, उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन आजकल वीडियो में भी लोग जोड़ तोड़ करके जिस प्रकार का प्रचार करते हैं वो आप सब जानते हैं, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि आधी लाइन हमारी और आधी लाइन दूसरे की जोड़ करके भी लोग बना लेते हैं। इस टाइप का है, ऐसा कोई कथन नहीं है और पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है और जनता के सामने हम ऐसी बात बोलें तो जनता हमको खुद ही गाली देने लगेगी। जनता खुद चुनाव लड़ रही है और मोदी खुद चुनाव लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री हर जगह, हर गाँव, हर गली, एक कूचे में वो चुनाव खुद लड़ रहे हैं। इसलिए ये बात प्रत्याशी का बोलना तो असंभव ही है, मतलब कह ही नहीं सकते। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दौसा से। राजस्थान के दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, आंधी और बारिश से प्रभावित हुई सीएम की सभा। सीएम की सभा के लिए लगाया गया पांडाल, हुआ धराशाही। तेज अंधड़ के कारण उड़ा टेंट, कई कुर्सियां टूटी।
सभा के दौरान अफरा तफरी का हुआ माहौल। लालसोट में प्रस्तावित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, सभा के लिए लगाया गया था पांडाल। राजस्थान के दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आंधी और बारिश से प्रभावित हुई सीएम की सभा। सीएम की सभा के लिए लगाया गया था पांडाल जो धराशायी हो गया है। तेज अधड़ के कारण उड़ा टेंट, कई कुर्सियां भी टूट गई। सभा के दौरान अफरा तफरी का हुआ माहौल। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, लालसोट में प्रस्तावित है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जनसभा।